नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आखिरी सफर पर कल्याण सिंह अतरौली पहुंचे पूर्व सीएम का पार्थिव शरीर। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा ऐलान। कल्याण सिंह के नाम पर 5 जिलों में एक एक सड़क का ऐलान। राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाने वाली सड़क का नाम भी होगा कल्याण सिंह मार्ग। यूपी के रामपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पीड़िता के पिता ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। गांव के लोगों ने ही अपहरण कर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के बस्ती में जिला अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही। मासूम के इंजेक्शन का ओवरडोज देने से मौत। परिजनों की रिपोर्ट पर प्रशासन ने बनाई कमेटी। हापुड़ में पुलिस और एसओजी ने किया लूटपाट। गिरोह का पर्दाफाश। एक महिला समेत 5 बदमाश गिरफ्तार। 6 लाख के जेवरात, एक बाइक, ऑटो समेत हथियार किए जब्त। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थित राजघाट पर अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव देह अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। यहां गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रहलाद पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अपने चहेते पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी सहित दिग्गज नेता अंतिम विदाई में शामिल। लंबे वक्त से कल्याण सिंह बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, राजस्थान में एक दिन का राजकीय शोक। आखिरी सफर पर कल्याण सिंह। पंचतत्व में विलीन होंगे कल्याण सिंह। आपको बता दें, आज अंतिम विदाई देने के लिए कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी के ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए, आज कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है और कई बड़े कद्दावर नेता भी पहुंचे हैं, अमित शाह भी पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आयुषी, 3:30 बजे के लगभग पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को अंतिम विदाई दी जाएगी और बुलंदशहर के नरौरा घाट पर, जो कि नरौरा में बंसी घाट है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। सुबह गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी का निधन भाजपा के लिए बहुत बड़ी क्षति है और एक तरह से कहा जाए तो एक युग की समाप्ति है ये। और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में अगर बात की जाए घाट पर, तो चंदन की 21 किलो लकड़ियों के साथ उनको जो उनका एक तरह से जो सीता की अग्नि तैयार की गई है, वो 21 किलो चंदन की लकड़ी, आम और पीपल की 5 किलो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, तो 45 किलो घी, 1 क्विंटल सुगंधित सामग्री जिसमें केसर का भी इस्तेमाल होगा, मेवा और मिष्ठान्न तैयार की गई है अंतिम संस्कार की जो सामग्री है। अंत्योष्टि स्थल पर भी अंतिम संस्कार की तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा चुका है आयुषी। और इसी के साथ नरोरा के बंसी घाट पर बाबूजी, जो कि कल्याण सिंह जी को लोग बुलाते थे बाबूजी के नाम से, वहां पर उनके तमाम साथी जो उनके शुरुआती दिनों में उनके साथ रहे हैं, जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, उन वो सभी लोग मौजूद हैं और नम आंखों से विदाई देने के लिए अपने महानायक का
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, और इस वक्त अंतिम सफर पर है उनकी यात्रा। विमान से नरोरा पहुंचेगी, वहीं से बंसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बड़ी खबर ये भी है कि अयोध्या में 6 सड़कों का जो रास्ता है, वो रास्ते या मार्गों का जो नाम है वो कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा, और राम मंदिर का जो मुख्य मार्ग होगा वो भी कल्याण सिंह के ही नाम पर दर्ज होगा। और अगर सूत्रों के हवाले से जो एक बात और आई है सामने, अगर उस पर भी यकीन किया जाए या अंतिम मुहर का इंतजार किया जाए, तो अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा जा सकता है। हालांकि ये सारे जितने भी अभी हमको ये सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही है, ये जो कैबिनेट की बैठक होगी उसी में अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन फिलहाल अगर बात करें कल्याण सिंह जी की तो अंतिम सफर पर है और अब से कुछ ही एक घंटे के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आयुषी जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने 5 जिलों में एक एक सड़क को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक एक सड़क कल्याण सिंह के नाम पर होगी। साथ ही बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाने वाली सड़क का नाम भी कल्याण सिंह मार्ग होगा। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं कल्याण सिंह का संभल से बड़ा नाता रहा है। साथ ही आपको बता दें कि संभल के देवापुर में उनका ससुराल है। चंदौसी में उनके साले विजयपाल सिंह और गजराज सिंह का कहना है कि बाबूजी ने राजनीति में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल पेश की है, यही उनका आदर्श था। उनका पास आसपास रहना तो इसलिए क्योंकि हम बरसों उनके साथ रहे हैं, तो उनके जाने के बाद जो रिक्त स्थान हो रहा है उसका तो भरना बहुत मुश्किल काम है। भर ही नहीं सकता वो, जीवन में कभी भर नहीं सकता। और उनके साथ बिताए हुए पलों के तो इतने यादगार हैं कि उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जैसे कोई एक यादगार जो आपको हमेशा याद आती है? अब मैं राजनीति के बारे में आपको बताता हूँ, वो इतने स्ट्रिक्ट थे अपने रिश्तेदारों के मामले में, वो किसी को भी ये, अब जैसा गवर्नर थे हम वहाँ अभी यहाँ जयपुर में, तो एक रिलेशन वहाँ पहुँचे उनके पास, सगे रिश्तेदार थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। उन्होंने कहा बाबूजी हम घूमने आए हैं। उन्होंने ठीक है आप घूमिए। तो बोले हमें गाड़ी चाहिए घूमने के लिए जयपुर। बोले भाई सरकारी गाड़ी है, मैं इसको दूसरे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करने देता हूँ। अब भी उनका ये थी कि ये सरकारी चीज़ है, इसका इस्तेमाल जो है मैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं करूँगा, सरकारी कार्य के लिए मैं। हाँ, इतने आदर्श पर रहने वाले थे वो। जब वे मुख्यमंत्री बने तो हम सब लोग गए थे पहली बार, जब 91 में मुख्यमंत्री बने, यहाँ से एक फीएट गाड़ी गई थी, उस जमाने में फीएट बहुत चलती थी। तो बाबूजी जब मुख्यमंत्री बने तो सारी एम्बेसडर वगैरह सारी आ गई उन्हें लेने के लिए। गवर्नर हाउस में शपथ होनी थी, तो बाबूजी ने कहा जब तक मैं शपथ नहीं ले लेता हूँ, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, और जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, इन सरकारी गाड़ियों को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो बाबूजी उस फीएट गाड़ी में, पुरानी फीएट गाड़ी में बैठ कर पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने गवर्नर हाउस गई थी। तो आदर्शों पर तो चलने के लिए तो वो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखते थे कोई ऐसा ना हो जाए जिससे जो है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां जिला अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। दरअसल मृत बच्चे के पिता ने जब डॉक्टर से नर्स की शिकायत की तो इसे नाराज नर्स ने मासूम को इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई। ऐसे में बच्चे के पिता ने SIC जिला अस्पताल को लिखित शिकायत दी, जिस पर जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बना दी गई, जो जांच कर एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेंगी, जिसके बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। भर्ती का फाइल बनाए दिन लेके आए गए चिल्ड्रन वार्ड में, 4 स्टाफ नर्स रही हैं, कहीं ठीक है चाय पी के अभी हम देख कर रहे हैं। आधा घंटा इंतजार किया, लोग नहीं आए, गया तो वहाँ से डांट के मुझे भगा दिए चारों नर्स। फिर डॉक्टर साहब को उनका नाम मालूम है जो आपने? नहीं, नाम नहीं दिए, पूरा स्टाफ नाम देने को तैयार नहीं, पूछते पूछते थक गया मैं।
और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब को मैं फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, आधा घंटा हो गया लोग चाय नहीं पी पा रहे हैं और लड़के कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं किए हैं। बोले बात करा, तो बात करा दिया। उसके बाद ये सबके सब नशे में वहाँ से एक बैग उठे, अब तुम्हारे बच्चे का इलाज करता हूँ, अब तुम देखोगे कैसे इलाज होता है। किसके द्वारा कहा गया? वो तीनों चारों नर्सों के द्वारा जो स्टाफ ड्यूटी पे मौजूद थी चारों। कन्नौज से बड़ी खबर, कार के वर्कशॉप में सर्विस के दौरान आग लगी। आपको बता दें कार जलकर खाक हुई, दमकल ने आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के तिरवा रोड गोलकुआ की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कार के वर्कशॉप में आग लग गई, कार जलकर खाक हुई, दमकल ने आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के तिरवा रोड गोलकुआ की ये घटना बताई जा रही है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार के वर्कशॉप में सर्विस के दौरान आग लग गई, कार जलकर खाक हुई, दमकल ने आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के तिरवा रोड गोलकुआ की ये घटना बताई जा रही है। कन्नौज से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, कार की वर्कशॉप में कार जल गई। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पुलाव शहीद मजार के पास गुब्बारे में हवा भरते समय गैस सिलेंडर तेज आवाज के साथ फट गया, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि गुब्बारे वाले लल्ला सेठ और एक महिला संगीता देवी की मौत भी हो गई। घायलों में नवीन गौतम और मनोज सेठ की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि पास में खड़ी एक स्कूटी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते तीन भागों में बट गई। सूचना पर दो जिलों की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के बदायूं मेरठ हाईवे पर अनियंत्रित बाइक गाय से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी समेत बच्चे घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस ने घायलों को सीएससी जुनवाई में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति की हालत को गंभीर देखते हुए बदायूं हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक बदायूं थाना क्षेत्र के गांव बेनी नगला निवासी देवराज अपनी पत्नी कुमकुम और दो बेटियों के साथ अपनी ससुराल से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर घर लौट रहा था, जहां धनीपुर गांव के पास रोड किनारे बैठी गायों से बाइक टकरा गई। हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जुनवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल पति को बदायूं हायर सेंटर रेफर कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस और एसओजी टीम ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक महिला समेत पांच बदमाशों को धर दबोचा। लुटेरों के गिरोह से पुलिस ने 6 लाख रुपए की जेवरात, एक बाइक, ऑटो समेत हथियार बरामद किए। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम की मदद से गढ़ मीरा की रेती बेरी की बाग में लूट की योजना बनाते गिरोह को धर दबोचा। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना एक महिला समेत पांच लुटेरों को दबोच लिया। ऐसे में पुलिस मामले की गहनता से पूछताछ में जुट गई है। खबर यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर से है, जहां हापुड़ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक से 450 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का की बरामद की। हालांकि ट्रक चालक और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। ऐसे में पुलिस शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है। ये इसमें जो गढ़ थाना टीम और एसओजी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा गया था, जिससे 450 पीटी शराब बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 32 लाख रुपए है। और इसमें जो ड्राइवर थे और उसके साथी थे, वो वहाँ से मौके से फरार हो गए थे। उनकी हम जानकारी कर रहे हैं और बाकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं कि ये जो शराब है ये आ कहाँ से रही थी
और इसका जो एंड डिस्पोजल है वो किस जनपद में हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम जो डिटेल्ड इंटरोगेशन होगी उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है। पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। कांट पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर 10 बाइक जब्त की। थानाधिकारी राजेंद्र राजबहादुर ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों से 2 तमंचा, 4 कारतूस और चोरी की 10 बाइक जब्त की। साथ ही चोरों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी वारदात के खुलासा होने की संभावना है। यूपी के रामपुर जिले में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना टांडा क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है, जहां पीड़िता के पिता ने 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि बीती रात परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे, जबकि 14 वर्षीय बेटी नीचे आंगन में सो रही थी। इस दौरान देर रात में गाँव के ही 5 लोगों ने अपहरण कर एक दुकान में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बेहोशी के हालत में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सुबह होश आने पर घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। ऐसे में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। थाना टांडा पर आज एक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना टांडा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया और अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। प्रथम दृष्टया मामला यह है कि लड़की और लड़के की पहले से बातचीत होती थी और एक दूसरे से परिचित थे। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है और उनकी कार्रवाई की। खबर यूपी के फरधान इलाके से है, जहां लालपुर बैरियर के पास गन्ने के खेत में 4 दिनों से लापता 16 वर्षीय किशोर का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक 19 अगस्त से युवक अरमान घर से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट फरधान थाने में दर्ज कराई गई थी। ऐसे में अब युवक का शव मिलने पर आक्रोशित लोगों ने गोला रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर कई थानों की पुलिस के साथ SDM सदर अरुण कुमार सिंह, CO सदर अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया, साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 1TV। नमस्कार।